दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के इतिहास के बारे में। इससे जुड़े इतिहास के हर पन्ने को आज हम लोग खंगालेंगे, देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। बाद में यूरोप के अन्य देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के चरण नई मशीन और तकनीकों से गहराई से जुड़े हैं। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। इसके प्रयोग से जहाज और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति और अधिक तेज हो गई। जिन आविष्कारकर्ताओं और व्यापारियों ने परिवर्तन लाने में योगदान दिया था उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से ना तो धनवान थे और ना ही वो बुनियादी विज्ञानियों जैसे भौतिकी तथा रसायन में शिक्षित थे। आगे चलकर औद्योगिकीकरण के कारण कुछ लोग तो समृद्ध हो गए पर इसके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की खराब एवं बदतर रहन सहन की परिस्थिति से जोड़ा जाता है। इसमें स्त्रियों और बच्चे भी शामिल थे। इससे विरोध भड़क उठा। फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थिति के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में जॉर्ज स्माइसली और जर्मनी में फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था जिसके बारे में टाइनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए थे। ब्रिटेन में ही क्यों हुई शुरुआत? ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनुभव किया था। ये 17वीं शताब्दी से ही राजनीतिक दृष्टि से मजबूत एवं संतुलित रहा और इसके तीन हिस्सों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी कि सम्राट का एक छत्र शासन था। इसका अर्थ ये था कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का यानी कि मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था यानी वो अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे जिससे कि उनकी कीमत बढ़ जाती है। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनियम यानी कि आदान प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से होने लगा था। तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत यानी कि फार्म खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक किसानों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों एवं पशुपालकों को कहीं और काम धंधा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए। 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों की दृष्टियों से बढ़ने लगे। यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था जो देश के बाजारों का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास की ही स्थिति में थे। लंदन ने संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के बंदरगाह से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक बंदरगाह पर आ गया था। लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया।
अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में ही थे। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट की सुरक्षित खारियों में पानी के जहाजों से होती थी। रेल मार्गों का प्रसार होने तक जल मार्गों का परिवहन स्थल अन्य मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था। 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण हुआ उसके कुछ कारण हम आपको बता चुके हैं, जैसे गांव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक भी मौजूद थे और परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में हुए थे। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। कोयला और लोहा। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहां मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्रियां कोयला और लौह अयस्क बहुतायत में मौजूद थे। इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे कि सीसा, तांबा और टिन भी खूब मिलते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक वहां लोहे की कमी थी। लोहे को पिघलाने की प्रक्रिया के बाद लौह खनिज में से शुद्ध तरल धातु को निकाला जाता था। सदियों तक इस प्रक्रिया के लिए लकड़ी के कोयले यानी कि चारकोल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं भी थीं। लकड़ी का कोयला लंबी दूरी तक ले जाने के दौरान टूट जाया करता था, जिससे घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। ये पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध नहीं था क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और ये उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था। इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था। अंत में श्रॉपशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो लोहे का एक्सपर्ट था, इस समस्या का हल निकाल लिया। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की तीन पीढ़ियों ने धातुकर्म उद्योग में क्रांति ला दी थी। इस क्रांति का प्रारंभ 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ। ये धमन भट्टी यानी कि ब्लास्ट फ्यूरनेंस का आविष्कार था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च तापमान उत्पन्न करने की शक्ति थी और वो पत्थर के कोयले से गंध तथा आप द्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। इस आविष्कार के बाद भट्टी और लकड़ी के कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। इसके बाद ब्रिटेन की लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। 1820 में एक टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, लेकिन 1850 तक आते आते ये मात्रा घट गई और केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन लोहा ढलवा बनाया जाने लगा। 1848 तक ये स्थिति आ गई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से कहीं अधिक थी। कपास की कताई और बुनाई। ब्रिटेन हमेशा ऊन और ऊन से बने कपड़े बुना करता था। 17वीं शताब्दी से ही इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़ों का आयात किया करता था, लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया तब इंग्लैंड ने कपड़ों के साथ साथ कपास यानी कि रुई का भी आयात करना शुरू कर दिया, जिससे इंग्लैंड में आने के बाद कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था। बुनाई के काम को और अधिक कुशलता पूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताई घरों और बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्रियों यानी कि कारखानों में चला गया। 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग के दो प्रमुख विशेषताएं थीं जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती हैं। कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात करने के लिए भेजा जाता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था, जिससे कि इन उपनिवेशकों से कच्ची कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हें उपनिवेशकों के बाजारों में बेचा जा सके। ये उद्योग
मुख्य रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक काल की घिनौनी तस्वीरें सामने आती हैं। भाप की शक्ति। प्रारंभ में जब ये पता चला कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है तो ये बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। जब कोयला और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में से निकालने के प्रयास तेजी से किए गए। उस समय खानों में अचानक पानी भर जाना भी एक गंभीर समस्या थी। थॉमस एवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनस फ्रेंड नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकमैन द्वारा बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि कंडेंसिंग सिलेंडर के लगातार ठंडा होते रहने से उसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता रहा, लेकिन जेम्स वॉट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। वॉट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइमर मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। इसी इंजन की मदद से आगे चलकर रेलगाड़ियों का विकास हुआ और कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी आसानी हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।